भाई आप में से जितने भी लोग पैरट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं ना, चाहे वो बजीज पैरट हो, लवबर्ड्स हो, कॉकटेल्स हो, या कोई भी बर्ड का दूसरा पैरट हो, लेकिन पांच चीजें ऐसी हैं जो हर कोई इस्तेमाल करता है। उन पांच चीजों का आज जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके इस तरह से हम करेंगे डिस्कस, जिससे क्या होगा, हमें समझ में भी आएगा कि नॉर्मली बड़ी आम सी चीजें होती हैं पांच, जो बाकी लोग यूज कर रहे होते हैं, बट हम में से कोई फिर भी एक आध ऐसा होता है जिसको पता नहीं होता या उसके जहन में नहीं होती वो चीज। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे और आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्रिट, या फिर मट्टी कह लें आप, ग्रिट कह लें या मट्टी कह लें। मैंने बहुत पहले जमाने पहले बताया था कि बर्ड्स जो है मट्टी खाते हैं, मेरे पास कॉकटेल मट्टी खाते हैं, तो आप उनको मट्टी प्रोवाइड करें या फिर ग्रिट। तो मेरे वीडियो बनाने के बाद तो बच्चे बच्चे को पता चल जाता है कि मट्टी कितनी फायदेमंद होती है बर्ड्स के लिए। देखें हम लोग मट्टी खाएंगे तो हमारे लिए इतनी फायदेमंद नहीं है, हालांकि मट्टी में सबको पता है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो खाना खाने से आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो मट्टी में ही शामिल होते हैं और कई मिनरल्स भी होते हैं मट्टी के अंदर। लेकिन चूंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं तो हमारे पास और बेहतर चीज़ें होती हैं। यानी इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी दवाइयाँ वगैरह, चीज़ें वगैरह, खाने पीने का सिस्टम जो है थोड़ा सा हाई कैलिबर्ड रखता है। लेकिन ये परिंदे, इनके लिए मट्टी जो है वो सब कुछ है, यानी कि इनकी डाइजेशन में बहुत सपोर्ट करती है, बीमार नहीं होंगे, इनका मैदा ख़राब नहीं होगा और इनको डायरिया इतना नहीं होता मट्टी खाने की वजह से। तो मट्टी बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, नंबर 2, लाहौरी नमक। यानी कि लाहौरी नमक जो है वो बहुत सारे लोग, सदियों से एक परंपरा बनी आ रही है परिंदों के अंदर, एक एक ट्रेडिशन कह लें, कल्चर कह लें, लाहौरी नमक डाला जाता है बर्ड्स को, ख़ास करके पैरट फैमिली को, अमूमन ये लोग ये डालते हैं। और इसका फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है, फ़ायदा क्या होता है कि बर्ड्स जो है वो अपनी नमकियात की कमी पूरा कर लेते हैं। मट्टी ना मिलने की वजह से, नमक की कमी होने की वजह से बर्ड जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाता है, या कह लें थोड़ा सा सुस्त हो जाता है या नाखुश नज़र आता है, और वो प्लकिंग भी कर सकता है, अपनी भी और अपने बच्चों की भी, अगर वो खुश नहीं है तो। अब आ जाते हैं तीसरी तरफ, नंबर 3। नंबर 3 पर है समुद्री झाग। समुद्री झाग क्या होता है, कटल फिश जो होती है ना, कटल फिश बोन, वाइट कलर का जो होता है समुद्री झाग यार पिंजरे के अंदर, वो होता है। अब इसके भी फायदे हैं, इसके बेतहाशा फायदे हैं। पहली बात ये कि ये तो है ही नेचुरल चीज़, बिल्कुल नेचुरल है, और ये बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं, चाहे कोई भी बर्ड क्यों ना हो वो इसमें मुंह ज़रूर मारता है। मेरी तो फिंचे नहीं छोड़ती, आप सोचें बजरी क्या करते होंगे, कॉकटेल क्या करते होंगे। तो जो कटल बोन है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ। पहली बात ये कि ये एक नॉर्मल सा अमाउंट ऑफ कैल्शियम इसके अंदर होता है, बिल्कुल होता है, इसके अंदर मिनरल का थोड़ा बहुत मवाद होता है, बिल्कुल होता है। सबसे बड़ी चीज़, बर्ड की जो चोंच है जब वो इस पर रगड़ते हैं अपनी, तो वो पॉलिश हो जाती है अच्छे से, वो क्या होती है बन जाती है, यानी कि वो जो है ज़्यादा इजाफी तौर पे बढ़ेगी नहीं। जिसके पास बर्ड की चोंच बढ़ जाती है, ख़राब हो जाती है, वो इन्हीं वजह से होती है कि बर्ड स्ट्रेस में होता है, उसके पास मुँह रगड़ने के लिए, चोंच रगड़ने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो कटल फिश जो है, कटल फिश बोन जो है वो इसमें भी आपके बर्ड को हेल्दी रखती है। आम तौर पर जितनी भी बर्ड्स के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन सब में ये सबसे ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि ये पता नहीं हज़ारों रुपए किलो मिलती है, बहुत महंगी हो गई है अभी इस वक्त। और ये है क्या बेसिकली भाई, ये समुंदर जो होता है ना, ये उसके किनारों पे पड़े होते हैं, हॉक्स पे जाता हूँ मैं, वहाँ पड़े होते हैं भर भर के, लेकिन मसला ये वहाँ से लेकर कौन आए। और इनका वज़न इतना हल्का होता है कि इनको कैरी करना बड़ा मुश्किल है, इनकी जो सारी कीमत है ना वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, ये मसला, तभी ये महंगे हैं। लेकिन ये आपको सीवी ऊपर भी नज़र आ जाएंगे, कभी कभार हॉक्स बे पर भी नज़र आ जाएंगे। होते ये हैं फिश के अंदर, पीछे कमर के अंदर जो है ना कुछ समुद्री झाग जो है वो जमा होता है, होता है, उसके बाद ये कटल बोन्स ही बन जाती है, जिससे वो मछली जो है वो साहिल समुंदर पर आके उगल देती है, यानी निकाल देती है अपनी बॉडी से और फिर वापस चली जाती है। तो ये जो है वो पानी की जितनी भी नमकियात और जितना भी कैल्शियम या जितना भी आप मिनरल्स कह लें, उन सबका एक पहकर होता है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, यानी कि नंबर 4। ये वो चीज़ है जिसको हम कैल्शियम के नाम पे ख़रीद लेते हैं और ये चौक जैसी नज़र आने वाली चीज़ हम अपने परिंदों पे ऐसे लटका देते हैं जैसे रस्सी पर कपड़े सूखने, अगर सॉरी क्या बोल दिया मैंने, रस्सी पर कपड़े धुलने के बाद टांग दिए जाते हैं और हम समझते हैं कि वाह वाह कैल्शियम। भाई वो कैल्शियम तो नहीं होता, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, चूना होता है वो। अब चूना इट्स काइंड ऑफ अ कैल्शियम, चूना जो है वो कैल्शियम की एक काइंड है,
मतलब कैल्शियम में कंसीडर हो सकती है, बट वो उस तरह का कैल्शियम नहीं है कि बर्ड खाएगा और उसकी बॉडी में कैल्शियम जमा हो जाएगा, बहुत ही इनसफिशिएंट क्वांटिटी है। लेकिन इस चॉक को लटकाने से बड़े फायदे होते हैं। उस चॉक को लटकाने का फायदा ये है कि बर्ड्स को एक्टिविटी मिलती है, कि एज अ टॉय वो इस्तेमाल हो जाता है बर्ड के लिए, ठीक है। अगर आप समुद्री जाग और कैल्शियम में से कोई एक चीज़ लेना चाहें तो समुद्री जाग लीजिए, याद रखिए, क्योंकि जो कैल्शियम है, जो ब्लॉक आप लेके आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उससे बहुत ही कम फायदा होता है बर्ड को खाने में, लेकिन वैसे बर्ड को बहुत फायदा है, उसको एक्टिविटी मिल जाती है, अपनी चोंच को तरता रहता है चीज, तो ये उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अब आ जाते हैं पांचवी चीज की तरफ, यानी कि नंबर 5, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है वो बजीज को खास करके दी जाती है बहुत ज्यादा, और उसके भी फायदे बहुत हैं। लेकिन अब वही बात है, लोगों को रोने पिटने की आदत इतनी हो गई है कि वो कहाँ बजीज पे इतना खर्चा करेंगे। लोग बोलते हैं हमारा बजरी 200 रुपये में जा रहा है, हम कहाँ से 300-300 रुपये के उनको समुद्री जाग के लाएं। बहरहाल, जिसने रोना है उसने रोना है, ये तो फिर होना है। ओ माय गॉड, बड़ा शायरी, वाह बड़ा शायरी। सो गाइज, इसके अलावा बात करें अगर मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदों की, तो मुल्तानी मिट्टी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिट्टी हो या मुल्तानी मिट्टी हो, बर्ड्स मिट्टी खाते हैं, और मुल्तानी मिट्टी तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये लाल मिट्टी होती है। अब ये कहाँ से आती है, क्या होता है, उसके बारे में तो मुझे कोई इतना गहराई में आइडिया नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है ये वही मिट्टी होती है जिससे गमले बनते हैं, जिससे मटकियाँ बनती हैं, लाल मिट्टी होती है। फ़र्क इतना होता है कि थोड़ी सी सॉफ्ट फॉर्म में होती है, जो आपकी मटके मटकियाँ होती हैं या आपके गमले जो होते हैं वो बहुत हार्ड फॉर्म में होते हैं, वो तो बजरी चबाएगा नहीं, या कोई तोता चबाएगा नहीं उसको, तो इसीलिए अब मुझे नींद भी आना शुरू हो गई। सो गाइस, मुल्तानी मिट्टी जो है ये तो इंसान भी खाते हैं कई बार, कहीं जो है वो प्रेग्नेंट खवातीन ये खाती हैं, मैंने सुना है, पता नहीं, मैंने एक दो बार कुछ खवातीन को बात करते हुए देखा था, तो वहाँ से मुझे पता चला, अच्छा ये भी खाती हैं, ओके ओके, हो सकता है कि प्रेगनेंसी में खाते हो। बहरहाल, इंसान भी थोड़ा बहुत मेडिसिन में भी यूज़ होती है, तो मैंने सुना है। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका आपको बता देता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास है क्या क्या, और मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है मेरे पास, किसी के पास चिक्स मर रहे हैं, बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन आता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। और इसके अलावा क्या क्या होता है मेरे पास, कैल्शियम प्लस वाइटामिन डी लिक्विड। जो वाइटामिन डी लिक्विड है ना, इसके ऊपर मैंने रमज़ान ऑफर रखी हुई है, वैसे ही 1500 रुपये का है, लेकिन पूरा रमज़ान आपका भाई 1200 रुपये के हिसाब से देगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, आप आराम से इस्तेमाल करो। ये रमज़ान ऑफर इसलिए क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से ईमेल आई है कि आप रमज़ान में अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आप ये दे सकते हैं रमज़ान ऑफर, यानी कि हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। इसी के साथ साथ मैं दाना सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, किसी को साफ़ सुथरा दाना चाहिए तो वो भी मंगवा सकता है। इसी के साथ साथ हमारे पास हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उनके आगे लगने वाली नोज़ल और हैंड फीड भी मिल जाएगी आपको मेरे पास से। ऑर्डर कैसे करना है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, ये आपके भाई का, इस पर सेंड कर दो। लाइक कर लेना, अल्लाह हाफिज़।